अमृतसर में कुकरमवाला में किसान सभा के दौरान हजारों किसान हुए इकट्ठे, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। पंजाबी गायक सिंगा और सोनिया मां ने किसानों को किया संबोधन। अमृतसर के कुकरमवाला में किसानी सभा के दौरान हजारों किसान इकट्ठे हुए और कृषि बिल के खिलाफ संबोधन किया। इस किसानी सभा में मुख्य रूप से सोनिया मान और पंजाबी सिंगर सिंगा पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है और वह इस जंग को जरूर जीतेंगे। मैं यही कहना चाहना कि जिन्हें भी साढ़े पंजाब ने इतने पंजाब च ने बाहर ने जिथे भी सारे बध चढ़ के हिस्सा दो जो सा जिदा अगे कामयाब है अगे भी कामयाब रह सके तो असं जल्दी जित इस जंग सरकार पेड़ बज सके साडे जिन्हें भी कानून है रद्द किए जा। मैं तो यही अपील करदा ते बस सारे जन मिल वरत के एक भाईचारे एकता दिखा के देखो जे साडी लाइट लूट बंद करदे ने फिर सरकार दी शाश हो भी सकती है। देखो जो बहाने नाल लाइट बंद करूगी तो फिर शाश हो भी सकती है। असी कहना सानू गौर आप नू रखनी पऊ। मैं सोडे राही कोई प्रेस राही कह सकदा जिन्ने उत्थे साडे वर्कर ने कोई ट्राली पांच ने किसी दस ने किसी च भी ने रात को पहरा रख दिन भी पहरा रख गौर रख जिमें साड़िया माइया इस महीने चुल्हे जग दब के रख दें सू पूरी गौर रखनी नहीं रद्द नहीं किया गया पिछले पाया गया रद्द नहीं किया गया लीडर टोटी बयान दे दें जिस को प्रेस को साझा बयान दिता उ होगा अज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो पिछे पाएगा अदा प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन क्लीन की गल की जा रही है की कहना चाहते हैं वो बारे जो देखना सरकार ने हाँ देख ले तो तैयारी बैठे अस कुछ भी कर ले जो कर रहे साढ़े धरने छेड़ना पाकिस्तान का जंग लाना नहीं जो उन्होंने द्वारा एक्शन किया जाता किसानों का रिएक्शन की होगा रिएक्शन तो मौके सोचा जाऊगा वीरबाल ने पूछा दी क्या भी जो हमला करते क्या उदो की तैयार होंगे क्या मौके का होंगे तो राजे ने हाथी छड़ता वीरवार को कुत्ता आ रहा कुत्ता मारिया चाके हाथी हाथी कुत्ता जी के हाथी पुट्ठा भज गया तो मौके से देखा कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीप सिद्धू को मैं राय देना जमानत ना करा मैं आप मेरे तो 2009 के नौ परचे दर्ज हुई थी पांच जमानत मेरे घरदे ने कराती मनु मैं हटाते फिर मैं साढ़े चार महीने अंदर रहती हूँ साढ़े जो कोई भी फड़ा दीप सिद्धू फड़ाया जाए लखा फड़िया जाए असी किसान लीडर फड़े जाइए कोई धार्मिक बंदा फड़िया जाए कोई संस्था वाला सानू जिन्ना चिर मोदी की सरकार रहेगी असी जेल च ही रहा दिल्ली के असी तेन बीमारी नहीं समझ चाहे कोई करी जाए पिछले साल बीमारी बीमारी कह के साडे मूँह बनाते तो जे कह जे मजदूरों के खिलाफ कानून लिया किसानों के खिलाफ कानून लिया मुलाजमान के खिलाफ लिया 99% लोगों के खिलाफ ने फिर मोदी ने ताड़ियाँ बजाती फिर मोदी ने थालियां खड़कातियां फिर कोरोना छुट्टी दे बग गया। अब मैंने कैप्टन की समझ नहीं आती कहता रात को कर्फ्यू है जी दिने खुला है उन्होंने पूछ रहे भी रात में तो पहरे से रख लिया कर्फ्यू भी चौकीदार रख ही रखता है तो मतलब स्कूल बंद करते ठेके खुले रखी बैठा ये सरकार की एक चाल है भी साढ़े जवाक पढ़ ना जाए कोई बीमारी नहीं जेकर सरकार द्वारा कर्फ्यू जेकर सरकार द्वारा ऑफर की जाती है टीका साडी सेहत की असर ला जे असीं कदों हटाउने उहनूं अगे पहिलां आपां बच्चां दे टीके पिंडां च लग दिंदे हो बीमारी दे उह ला देण हुण भी अज पोलियो दे टीके लग किसान कोरोना नहीं मानदे ते फिर इंजैक्शन क्यों नहीं जे हुण सरकार कहे मेरा दिल नहीं खड़दा सरकार कहती है मैं छोटे टीके लाए बिना भी साडा दिल नहीं खड़ा सरकार आपका दिल खड़ा ले सरकार ने टीके लाने की लड़ साड़िया मंगा ही मान जाएगा असं उठ के घर में आज पहला टेस्टिंग तो मना कर दी गई किसान नहीं वो किसानों की मर्जी है असं कोई सरकार नहीं कहेंगे भी वो किसान सोचता भी मैं ही ना जवाब भी दे दूंगा एक पास ऑपरेशन क्लीन है दूजे पास हूँ अनाउंस कर दिता है भी मुलतवी कर दिता है लगता नहीं ये किसान जिन्होंने वापस जाना से वापस नहीं जाएंगे नहीं कोई वापस नहीं समय कोई वापस नहीं जाता जेडे किसान ने नहीं जेडे किसान वापसी के लिए आए हुए थे उन्होंने वापस जाना सी मई के संसद कूच के लिए हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि संसद कूच मुलतवी हो चुके एक ही ने कहता भी किसान नहीं जाएंगे असी बट बढ़ने कतल करते रहे किसानों को पता लगा साड़ी जमीन जाऊगी मैं गरंटी करता सारे किसान नौजवान बुजुर्ग उत्थे जाएंगे आप सानू बताने तो बिना हो जाए जी मैम अज का प्रोग्राम कराया
सब तो पहलों तो अज असी इतने किसानी सभा की है कुकड़ा वाले स्टेडियम के माझे उठाने वास्ते, क्योंकि साढ़े माझे की हमेशा शिकायत आती सी कि मालवे तो पिछे है, हरियाणे तो पिछे है, बट अज साढ़े माझे ने दिखाता है कि वह किसानी झंडे के किसी भी हरियाणे तो या मालवे तो पिछे नहीं है। इन्ना कट होया और सारे ने ही इतने हलाशेरी दे के सारे पिंडों के उत्तों इतने पहुँचे ने। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे भरावान का, क्योंकि वह अपने वास्ते पहुँचे ने। किसानी झंडा उन्होंने आ, उन्हों दी मंगा आ, उन्हों दी रोटी है। मैं मंडियां दे विच बार बार बारदाने की कमी जी आ रही है, वो पिछले तुम्हें सरकार की कोई साजिश नहीं लगती? देखो सरकार की साजिश तो हैगी है, सरकार की हर बन्ने साजिश है। सरकार कभी कोरोना के आड़ दे विच आके साडे किसानां नूं तंग करती है। सरकार नूं इह नहीं दिखदा भी बंगाल दे विच जिहड़ियां इलैक्शनस हो रही ने उत्थे कोरोना नहीं हैगा। सो इस करके जे कोरोना सची मुची दिखता है सरकार नूं, तो सरकार नूं साडे बजुर्गों की सेहत बारे वेखना चाहिए है, उन्होंने बारे सोचना चाहिए है, तो बिल रद्द करके उन्होंने घर वापस भेजना चाहिए। सानूं कोई शौक नहीं आपां बॉर्डर दे उत्ते बैठे। बॉर्डरां उत्ते क्लीन स्वीप दा जिहड़ा नारा लाया जा रहा है उस बारे? देखो जी असी किन कहते हैं बॉर्डर के उत्ते आप उदों तक नहीं उठांगे जो तक साढ़े तीन बिल रद्द नहीं हो जाते। मैनू पता नहीं, ये बारे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती। आई हैव नो कमेंट। साडी जो साडी संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडर्स फैसला लैणगे, ओहदे जो सानू कहणगे आपां ओहदे आधार दे नाल उहनां दे नाल चलांगे, क्योंकि वह साडे लीडर ने, वह साडे आगू ने, उहनां दी गवर्नमेंट टॉक हुंदी है गवर्नमेंट टेबल दे उत्ते। असीं ते सानू जो कहणगे असीं उहनां दी हदायतां दे नाल एक डिसिप्लिन रख के आपां चलांगे। मैं उही कहना चाहुंदी आ भी जदों तक साडे तीन बिल रद्द नहीं ना हो जांदे मोदी की, सानू कोई नहीं ठा सकदा बॉर्डरां तों। मैडम सारियां यूनियां एक झंडे थले के इकट्ठियां नहीं हुंदियां भी वख-वख लगदे? अज वेख लो तुसीं स्टेज ते सारी यूनियां इकट्ठियां सीगियां। उगराह जी भी बैठे सीगे, राजेवाल जी दे विचों भी आए सीगे, रोलदू मानसा जी भी आए सीगे, और नाल ही साडे हरियाणे तों भी आए सीगे, खाप प्रधान भी आए सीगे, नाल टकैत साहब दे बेटे भी आए सीगे, नाल साडा राजस्थान तों भी आए सीगे, किहनूं कहिंदे अमरा राव जी, पवन दुग्गल जी, सारे ते आए सीगे। अज ते संघर्ष कमेटी जिहड़ी देखो मेरी गल सुनो, इहदा आंसर मैं नहीं दे सकदी, इह जथेबंदियां दे लीडर दे सकदे ने। मैं जिस संयुक्त किसान मोर्चे दे जिहड़े लीडर्स ने हन, उह उहनां नूं इनवाइट कीता सीगा और उह इत्थे आए सीगे, राइट। आ सारा जो डिसीजन मेकिंग आ उह साडे आगू आ, उह ज़्यादा जानदे ने। मैं तो एक वलंटियर की तरह काम कर रही हूँ, जो मेरी एक ड्यूटी है किसान की धी होण दे नाते किसानां नूं सपोर्ट करना, किसानां नूं नाल लैके जाना, बस मेरी इन्नी कु ड्यूटी आ जो मैं निभाई आ। बाकी जो भी साडे किसान इत्थे आए सीगे उह अपने करके आए आ, मेरे करके नहीं आए, होर किसी करके नहीं आए, वो अपनी रोटी करके आए, अपने किसानी झंडे करके आए। भाई पूरे देश भर में किसान पंचायतों का दौड़ चल रहा है, ये तीन बिल है कृषि जो कानून सरकार ने किसानों पर थोपे, उनके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन किसी स्थिति में निरंतर चलते रहेंगे। मजबूती के साथ में अपने किसान अपने बॉर्डर पर ध्यान रखें, अपने बॉर्डर को मजबूत रखें। ये महापंचायत का निर्णय है, यही महापंचायत सभी जगह पूरे देश भर में चल रही है। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किसान करेगा, लेकिन पालन राजनीतिक दलों के लोगों को करना चाहिए कि वे पश्चिम बंगाल में लाखों लाखों लोगों की मीटिंग करेंगे और सुबह ये कहेंगे कि बहुत भीड़ थी और शाम को उपदेश देंगे कि 2 गज की दूरी बढ़ा कर रखें। ये देश में चलेगा, देश की जनता समझ चुकी कोरोना, हम भी कह रहे हैं कि इस बीमारी में पूरे देश भर का किसान साथ में है, सहयोग करेगा, लेकिन एक तरफ नहीं चलेगा। असर पड़ो या ना पड़ो, हमारा काम लड़ने का है, सम्मान किसान के सम्मान स्वाभिमान की बात है, बातचीत का सरकार को बात करनी चाहिए। मजबूती के साथ में अपनी लड़ाई लड़ेगा किसान और ये बिल भी वापसी होंगे, ये कानून भी बनेगा, जब वोट लेने का समय होगा सब चीजें सब चीजें ठीक होगी। चलाने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? भाजपा के लिए अभियान चला हुआ किसान, अगर इस तरह का कोई भी बोर्ड रूप में कोई हरकत करने की कोशिश करी भाजपा की, ये बहुत उम्मीदों के साथ में सरकार बना रखी, सरकार से है कि बातचीत से निकाल निकलने और बातचीत से हल नहीं निकलेगा। बातचीत का दौर जब तक चालू नहीं होगा, ये आंदोलन निरंतर चलते रहे। धन्यवाद।
अमृतसर से ललित शर्मा।